वेलकम टू न्यू लवली एक्वेरियम। जैसे कि हमारे पास इस वीक में काफ़ी सारा नया स्टॉक आया है फिशेज का, टेट्रास भी आए हैं, कॉमन फिशेज भी आए हैं, तो एक एक करके सारे कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके अभी कैमरे में दिख रहा है रेड चेरी श्रिम्प है, ये नया स्टॉक है और काफ़ी लार्ज साइज में है और क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं। साथ ही में इस टैंक में आप देखेंगे तो ये अल्बिनो नियोन है, काफ़ी खूबसूरत और ये रेयर पेसिस है। और इसमें थर्ड वैरायटी आप देखेंगे ये गैलेक्सी रासबोरा है और इसकी भी साइजेस जो है इस टाइम में काफ़ी अच्छी साइज़ की आई हुई है, तो गैलेक्सी रासबोरा की है। और इसमें आप देख सकते हैं फिल्टर के ऊपर ये वेलटेल प्लेको है, ये भी स्मॉल साइज़ में अवेलेबल है। तो ये इस टैंक में टोटल चार टाइप के फिशेस है श्रिम्स पकड़ के। अब हम देख रहे हैं ग्रीन रासबोरा है, काफ़ी अट्रैक्टिव और एक यूनिवर्सल कलर आप बोल सकते हैं इसका, और प्लांटेड टैंक में लोग रखने के लिए काफ़ी पसंद करते हैं इसे, और ये भी रेयर पेसिस में जाता है। तो ये भी रिस्टॉक हुई है फिर से। इस टैंक में हम आप जो कवर कर रहे हैं ये जो है अल्बिनो रमिनोज है, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी साइज़ में है। साथ ही में इस टैंक में दूसरी वैरायटी जो है जो रेड वीडो जो आती है ये भी काफ़ी पॉपुलर है, तो ये भी स्टॉक हुई है फिर से, स्टॉक में अवेलेबल है ये। इस टैंक में आप देख रहे हैं माउंटेन मीनोज है, दो वैरायटी के अल्बाइनो भी है और कॉमन माउंटेन मीनोज भी है। ब्रिस्टल नोज सकर है, प्लांटेड टैंक में जो रखे जाते हैं। ये भी स्मॉल साइज में अवेलेबल है, देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये जो है एल सीरीज प्लेको है, काफ़ी अट्रैक्टिव पैटर्न रहता है इसके बॉडी के ऊपर अराउंड, अभी ये जो है 4 इंच का साइज़ है, तो इसका जो L177 करके है। और इनको छुपने के लिए केव हमने रखा है, देखिए वो साइड से अंदर गया था, इधर से बाहर आया है, तो ये भी काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव दिखता है और इनको हाइडिंग पेस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप ये रख रहे हैं आपके एक्वेरियम में तो कुछ उनके लिए ड्रिप टूड या फिर कुछ हाइडिंग पेज जैसे रखे हमने, इस तरीके के पाइप्स आते हैं सिरेमिक्स में, वो आप रख सकते हैं। साथ में इस टैंक में आप जो देख रहे हैं ये जो है रेड फिन्स है जिसका, ये ऑस्ट्रेलियन रेनबो जो है, काफ़ी अट्रैक्टिव कलर अभी आया है, मीडियम साइज़ में अवेलेबल है। दूसरी वैरायटी जो है इस टैंक में सिल्वर अरवाना है, अराउंड ये जो है 5 इंचेस के साइजेस में अवेलेबल है। इस टैंक में टोटल 2 वैरायटी है। अब जो ये हम वैरायटी कर रहे हैं ये रासबोरा वैरायटी है और ये भी काफ़ी रेयर आती है, और ये जो है इसकी साइज़ जो है कॉम्पैक्ट रहती है, मतलब ये ड्राफ्ट साइज़ रहती है, तो ये ज़्यादा बढ़ती नहीं है रासबोराज में। ये स्ट्रॉबेरी रासबोरा करके आते हैं, तो जैसा चिली रासबोरा आता है उसी तरीके का आता है इसका अपीरियंस, थोड़ा सा कलर और डिफरेंस आएगा इसका, हम देख सकते हैं काफ़ी क्वांटिटी में है। ये टाइनी फिश है, नैनो टैंक के लिए हम लोग इसे रेकमेंड करते हैं। साथ ही में इस टैंक में येलो श्रिम्स है काफ़ी क्वांटिटी में। ये जो है लेपर्ड कॉरी जो बोलते हैं जिसे, जूरिज जूली वैरायटी है ये, कॉरिडोराज में, कॉरिडोरा की अगली वैरायटी गोल्ड लाइन कॉरिडोराज है, काफ़ी अच्छी साइज़ है और देख सकते ब्यूटीफुल कलर है। रूबी बार स्मॉल साइज में, ये जो फिश आप अभी देख रहे हैं ये इसे हैचेट फिश बोलते हैं, ये एक्चुअली जंप करता है पानी के बाहर भी और ये टॉप स्विमर रहता है, तो इसके लिए अगर आप ये फिश आपको रखना है तो आपका लीड जो है या ऊपर का जो एक्वेरियम है वो ऑलवेज कवर होना चाहिए, नहीं तो ये पानी के बाहर जंप कर सकती है। और दूसरी वैरायटी इसमें है रेनबो है, सेल्बस रेनबो है। इस टैंक में आप देख रहे हैं ये जो है रमिनोज का स्टॉक आया है, कॉमन रमिनोज, ये भी मीडियम साइज़ में आया हुआ है, और साथ ही में बेस में आप देखते रहेंगे बैक साइड में भी ये काफ़ी सारे हैं, तो ये जो है ये सारे ब्लू श्रिम्स है। ये जो है सिमिलिस कॉरिडोरा है, कॉरिडोरा की और एक वैरायटी, साथ ही में आप देख सकते हैं ब्लैक गोस्ट भी आया हुआ है स्मॉल साइज़ में, तो ब्लैक गोज जो है आप लार्ज फिश के साथ, लार्ज टेट्रा के साथ रख सकते हैं। और साथ ही में इसमें जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये अल्बिनो प्रिस्टेला है, अल्बिनो प्रिस्टेला,
जेब्रा नारायण स्नेल आया हुआ है, साइज भी अच्छी है काफ़ी, देख सकते हैं आप। ये कंटिन्यूस अलगी की खाने का काम करते रहते हैं। टैंक में आप देख सकते हैं कार्डिनल टेट्रा है, जिसके ब्लू लाइन है और रेड कलर है, और साथ ही में जो है एम्बर टेट्रा है, जो उसके कलर के हिसाब से जाना जाता है। तो ये भी नया स्टॉक आया हुआ है, और इस टैंक में ब्लैक श्रिम्स है, देख सकते हैं आप काफ़ी क्वांटिटी में ब्लैक श्रिम्स। ये जो है कैटफिश की वैरायटी है, आप देख सकते हैं कैटफिश में, ये थाईलैंड ग्लास कैटफिश इसे बोलते हैं। पूरी बॉडी इसकी जो है ट्रांसपेरेंट रहती है। साथ ही में दूसरे जो वैरायटी है कॉन्गो टेट्रा है, अल्बाइनो कॉन्गो टेट्रा है मीडियम साइज़ में, और जो है रेगुलर कॉन्गो टेट्रा भी आई हुई है नया स्टॉक में। बाद में ये जो है फ्रंट में आप देख रहे हैं पांडा कॉरी है, मीडियम साइज़ में आया हुआ है, तो काफ़ी सारे पीस है इसमें, देख सकते हैं पांडा कॉरिडोर के। फैंटम है और स्टर्बी कॉरिडोरस भी है इस टैंक में आपको लिए। और जो दूसरा एक वैरायटी है बैक साइड में राबुल्टी कॉरिडोरस, तो इस सारी वैरायटी कॉरिडोरस में अवेलेबल है। इस टैंक में आप जो देख रहे हैं रेड आई डायमंड एंजल है मीडियम साइज़ में, और सिल्वर डॉलर भी अराउंड 1.5 से 2 इंच के बीच में आई हुई है। टॉप स्पॉटेड नारायण स्नेल, इसके बॉडी के ऊपर आप देख सकते हैं पैटर्न रहता है स्पॉटेड का, इसके लिए इसे स्पॉटेड नारायण स्नेल बोलते हैं। और साथ ही में इसमें हर्लिक्विन दासबोरा भी आया स्मॉल साइज़ में, और गोल्ड लाइन जिसे बोलते हैं श्रिम्स वो भी है, और कुछ गैलेक्सी रासबोराज है। इस टैंक में आप एक रेयर फिश देख रहे हैं, ये जो फिश है ये जो सबुआ रासबोरा जिसे बोलते हैं, अभी ये स्मॉल साइज़ में है, ये आके 3 दिन हुआ है, तो इसे हम लोग अच्छे से सेट करेंगे और तभी ये थोड़ा साइज पकड़ेगा तो कलर आना इसका चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके नोज़ के ऊपर जो है रेड स्पॉट आपको हल्का अभी दिख रहा रहेगा, तो ये सबुआ रासबोराज है, इसे एशियन रमिनोज भी इसे बोलते हैं, तो ये भी काफ़ी स्टॉक में आया हुआ है। इस टैंक में हम जो है फर्स्ट वैरायटी कवर करेंगे, आप देख सकते हैं इसका आग के ऊपर आप देख सकते हैं ग्लो कर रहा है, इसके लिए ये वैरायटी जो है लैम्प आई करके जानी जाती है, और ये प्लांटेड टैंक में आप इजीली रख सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है और काफ़ी अच्छे से कूलिंग भी करती है ये। और साथ ही में इसमें आप देख सकते हैं बॉटम में जो ये घूम रहा है ये सैमीज अल्गीटर है, जो प्लांटेड टैंक में अल्गी खाने के लिए आप रख सकते हैं, जो आपका टैंक मेंटेन करेंगे। और इसमें दूसरी वैरायटी जो है रेड कलर की है, रेड लिली गुरामी है, ये ड्राफ्ट साइज़ में है, काफ़ी रेयर आती है और काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है। और सबसे ये भी काफ़ी खूबसूरत वैरायटी आती है, टाइगर मार्किंग है इसके, ये जो क्लाउन लोच वैरायटी है ये, तो ये भी अराउंड 2 इंच के साइज़ में अवेलेबल है। और लास्ट वैरायटी इस टैंक में है नियॉन गुरामी, तो ये जो है आप प्लांटेड में भी रख सकते हैं ये गुरामीज की वैरायटी, ये ज़्यादा मतलब नॉर्मल गुरामी के तरीका अटैक नहीं करेगी। ब्रिलियंट रमिनोस का आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से कलर आया हुआ है, और स्कूलिंग तो रमिनोस का स्पेशलिटी है, तो स्कूलिंग के लिए ये जाने जाते हैं, तो ये भी आप ब्रिलियंट रमिनोस है, बॉडी के ऊपर सिल्वर कलर का शाइनिंग है इसके। सिल्वर शार्क की स्मॉल साइज़ भी आई हुई है, साथ ही में कुई है, जैपनीज कोई का पैटर्न है इनके ऊपर, लेकिन ये ब्रेड इन इंडिया है। एपिस्टोगामा है, अगाजिस वैरायटी है एपिस्टोगामा में, और इस टैंक में श्रिम्स भी है, अमानो श्रिम्स है। इस टैंक में आप देख रहे हैं फुल साइज़ के टाइगर बाब्स है, बाब्स वैरायटी जो है टाइगर बाब स्पेशली सेमी एग्रेसिव टाइप्स वैरायटी है, तो आप इसे टेट्रा या स्मॉल फिशेज के साथ मत रखिए। और साथ ही में आप देख रहे हैं ये शॉर्ट टेल है, ब्लैक टेल शॉर्ट टेल है, ये भी काफ़ी दिन के बाद आए हुए स्टॉक में, और ये लो मेंटेनेंस इजी टू कीप फिश में आप रख सकते हैं, काफ़ी अच्छे और कलरफुल है। इस टैंक में आप देख रहे हैं अराउंड 6 इंच प्लस के और कुछ स्मॉल साइज के 3 इंच से 4 इंच के बीच में सब जैपनीज कोई है। एंजल फिश है, डायमंड एंजल है ये स्मॉल साइज में। फ्लोरोसेंट वीडो का काफ़ी स्टॉक आया हुआ है और साइजेस भी है उसमें, एकदम फुल साइज की इस टाइम आपको देखने मिलेंगी, येलो में है,
ग्रीन में है, पिंक है, तो काफ़ी सारा कलेक्शन आया हुआ है। हाई फिन प्लेटी है ये, और साथ ही में रेड कलर का जो देख रहे हैं टैंडलरिन वराइटीज है मीडियम साइज में, तो ये भी डायरेक्ट मतलब बच्चे देते हैं तो लोग काफ़ी रखने में पसंद करते हैं, और रेयर वैरायटी है ये भी। इस टाइम में आप देख सकते हैं वरांडा का काफ़ी स्टॉक है, वरांडा गोल्डफिश है ये, काफ़ी अट्रैक्टिव है ये, देख सकते हैं आप शेप स्मॉल साइज़ का है, अराउंड ये 2 इंचेस का साइज़ है, 2 टू 3 इंचेस का। इस टैंक में आप देख रहे हैं काफ़ी सारा गोल्डफिश का कलेक्शन है, रुकिन्स है, पल्सकेल है, ब्लैक मोर है, रेड कैप है, रांचूज है, ब्लैक रांचू है, पांडा है, तो ये असॉर्टेड स्टॉक है, आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल है, क्वालिटी तो आपको दिखती रहे, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के है ये सारे। ये जो आप देख रहे हैं ये स्मॉल साइज़ के कॉरिडोराज है, स्मॉलेस्ट साइज़ है कॉरिडोराज की ये कैटफिश वराइटीज़ में, ये भी काफ़ी रेयर आती है। तो बीटा का भी काफ़ी कलेक्शन आया हुआ है, तो हम अब लास्ट में बीटा का टैंक कवर करेंगे सारे, अब देख सकते हैं काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ में है, हाफ मून है, फुल वाइट में है, बाद में एलिफेंट ईयर है, तो काफ़ी सारा कलेक्शन आया हुआ है, तो एक एक करके बीटा का हम लोग सारे देख लेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये फुल वाइट बीटाज है हाफ मून में, काफ़ी अच्छे से फ्लेयर कर रहे हैं, वाइट का भी काफ़ी डिमांड रहता है इसके लिए हम लोग वाइट हमेशा लाते रहते हैं, और इस टाइम में काफ़ी खूबसूरत स्टॉक आया हुआ है, आप देख सकते हैं वाइट के सारे पीस जो है काफ़ी खूबसूरत है। ये है एक एलिफेंट ईयर, डम्बो ईयर, देखिए काफ़ी हेल्दी है, और साइज भी इस पीस का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मैसिव साइज़ है इसका। तो चलो आइए नेक्स्ट पीस की तरफ बढ़ते हैं, ये भी डम्बो ईयर है एलिफेंट ईयर में, डबल शेड में है, तो आप देख सकते हैं एक एक करके सारे, ये रेड में है डम्बो ईयर में। ये सेकंड रो की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, इसमें भी हमने डाला है एलिफेंट ईयर का है, ये भी एक अलग कलर है, इस टाइम में काफ़ी कलर के आए हुए हैं फिशेज, डिफरेंट डिफरेंट वाइट ग्रे और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। इसकी साइज़ थोड़ी छोटी है, लेकिन ये ग्रो करने के बाद इसका और अच्छे से फ्लेयर करेगा, साथ में जो है ये जो है लाइट गोल्डन कलर जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये भी आया हुआ है मीडियम साइज़ में। ये जो है मल्टी कलर है इसमें, रेड, पीकॉक और ब्लैक, साथ में आप जो देख रहे हैं ये फुल ब्लू है, ये भी अच्छे से आप फ्लेयर कर रहे हैं, देखिए सारे पीस जो है इस टाइम में काफ़ी अच्छा स्टॉक आया हुआ है, फुल ब्लू में है ये, एक एक पीस हम लोग आज जो है आपको सारे कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है कि बेटा का हमको फ़ोटो शेयर कीजिए, तो इंडिविजुअल फ़ोटो शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए सारे जितने आए हुए हैं उस कवर करने का कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं लास्ट में ये भी काफ़ी एग्रेसिव दिख रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इसका जो शेड है, शेड इसका फिर ग्रे टोन है इसका, और टेल के ऊपर जो है रेड है थोड़ा, ये भी काफ़ी आप देख सकते हैं अट्रैक्टिव है, और ये जो है इस पीस भी, ये भी काफ़ी खूबसूरत पीस है, इसमें वाइट बॉडी है और ब्लैक शेड है इसमें। ये दो पीस है आपको दिखाना चाहूँगा, ये हम लोग थर्ड रो की तरफ आए हैं, तो काफ़ी अच्छा बीटा का ये फ्लेयरिंग करा रहे हैं, देखिए आप दोनों भी पीस है, ये पीस भी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, अच्छे से फ्लेयर करा है, ये जो है डबल कलर में है, फ्लेयर देखिए काफ़ी खूबसूरत करा रहा है ये, और ये रेड है, तो रेड भी काफ़ी हाफ मून में है, काफ़ी सुंदर कलेक्शन आया हुआ इस टाइम में, और ये है डबल कलर में, देख सकते हैं आप इसका जो फिन्स है एकदम परफेक्ट है सारे फिन्स, और काफ़ी अट्रैक्टिव मतलब पैटर्न में जाता है ये, तो ये जो है आप देख सकते हैं ये तीनों पीस जो है काफ़ी अच्छे से फ्लेयर कर रहा है, और वेल कंडीशन वेल मेंटेन रखे है।
इनको पता चल गया शायद इनका वीडियो बन रहा है, तो काफ़ी अच्छे से ये प्लेयर कर रहे हैं। तो इस मोमेंट के लिए हम लोग काफ़ी वेट करते हैं कभी कभी। काफ़ी ब्यूटीफुल है, देखिए आप ईच एंड एवरी फिंस इसका क्लियरली आप देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा दिख रहा है ये। नेक्स्ट जो है ब्लू और रेड टोन में है, और ये जो है एक ट्रांसपेरेंट फिंस की है, इसमें एश ग्रे कलर है इसका जो टेल पे, और बॉडी जो है अल्बाइनो टाइप गोल्डन बॉडी है, साथ ही में ये भी है गोल्डन में एक, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और ये भी एक यूनिक कलर है, फिंस इसके जो है ट्रांसपेरेंट है पीछे के तरफ से, और जो है पीस का जो साइज जो है ये भी फुल ग्रोन है और यूनिक कलर है। ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। एश ग्रे, ग्रे कलर में हम लोग इसे बोलेंगे, ग्रेइश टोन है इसका, वाइट और ग्रे मिक्स। ये जो आप देख रहे हैं गोल्डन कलर में, काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है ये भी, और काफ़ी लोग रखना पसंद करते हैं। साथ ही में ये जो आप पीस देख रहे हैं काफ़ी मैसिव है ये, और काफ़ी ब्यूटीफुल है और अच्छे से फ्लेयर करा रहा है। इसके फिंस भी काफ़ी मतलब अच्छे से ग्रो हुए हैं, और ये जो है इसके लग के ही एक ग्रे टोन में है, और ब्लू कलर के इसके बॉडी के ऊपर स्पॉट है। अगेन एक जो है पूरे फिंस ब्लैक ट्रांसपेरेंट, और जो है उसके बॉडी के ऊपर जो है सेंटर में भी ब्लैक कलर के, और पिकॉक कलर हम इसे बोलते हैं, पूरा पिकॉक ब्लू है ये और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन में है, काफ़ी अच्छे से फ्लेयर करा रहा है और एक यूनिक कलर है और काफ़ी अच्छा है। ये ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, साथ ही में आप देख सकते हैं पीकॉक ब्लू विथ रेड टेल है, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है। और ये जो है ट्रांसपेरेंट ब्लैकिश है इसके पीस, और बॉडी जो है ग्रेइश वाइट है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये है दो टोन में, ब्लू ब्लैक पीकॉक ब्लू है, अच्छे से प्लेयर कर रहे हैं। हम जो ये कवर कर रहे हैं लास्ट रो है, ये जो है ब्लैक कलर में है, ब्लू कलर में काफी अट्रैक्टिव है ये भी सारे पीस। और अनुबियास का भी प्लांट्स का स्टॉक आया हुआ है अनुबियास वैरायटी में, तो ये बाटेरी है राउंड लीफ में मिनी करके, तो ये भी रिस्टॉक हुआ है। अब हम कवर कर रहे हैं आज की लास्ट वैरायटी, अब देख सकते हैं काफ़ी एट्रैक्टिव है ये, सिटलीड वैरायटीज में आते हैं। ये फ्रंटोसा फिश है, तो फ्रंटोसा में ये अराउंड 2.5 सेंटीमीटर का साइज़ आया है, बेबी साइज़ है काफ़ी, तो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं ये और काफ़ी डिमांड में रहते हैं, तो ये भी नया स्टॉक आया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडियो वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर अपकमिंग इंटरेस्टेड वीडियो।